पर्वता पर्वता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। पर्वता पर्वता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है। जाने न जाने गुल ही न जाने। बुलबुल गजल सराई आगे हमारे मत कर। बुलबुल गजल सराई आगे हमारे मत कर। सब हमसे सीखते हैं अंदाज गुफ्तगू का। आज की शाम आज की ये महफिल उर्दू के सबसे बड़े शायर के लिए उनके नाम उनके काम के नाम उनके एहतराम के नाम। एक ऐसा शायर जो है तो 18वीं सदी का लेकिन हर सदी पर मीर छाया हुआ है। मीर के वालिद अली मुत्तकी ने जाते हुए अपने 13 साल बेटे से कहा, मेरे पास तुम्हें देने के लिए और तो कुछ नहीं, मोहब्बत है जो तुम्हारे हवाले करके जा रहा। इसी मोहब्बत को मीर ने सारी जिंदगी अपने सीने से लगाए रखा और फिर इसी मोहब्बत ने जब उसके दीवान में अपना दिल रखा तो आज तक मीर का दीवान हम अपने सीनों से लगाए हुए हैं। इरशादुल अरीब के इस यादगार प्रोग्राम के साथ मैं उस्ताद मोहतरम डॉक्टर असद अरीब साहब की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि उर्दू के सबसे बड़े शायर जिसका एतराफ खुद गालिब ने भी किया और खुदाए सुखन भी जिन्हें कहा जाता है आज उनके हवाले से गुफ्तगू फरमाइए। जनाबे डॉक्टर असद अरीब साहब, मुझे मीर से एक नस्बत ख़ास भी हासिल है, इसलिए कि मेरे एक ख़ासुल ख़ास रिश्ते में मीर मोतियों की माला की तरह जुड़े हुए हैं। मेरी हम नफस माहतल जाहिदी का कहना ये था कि अरीब साहब आप न हुए मीर के अहद में, अगर आप मीर के अहद में होते तो मैं आपके पास न होती। बड़ा जुर्रतमंद और ये उन्होंने मुझे चिढ़ाने के लिए कहा था कि मैंने एक दिन कह दिया था कि अगर गालिब होते इस अहद में तो मैं उनकी नौकरी चाकरी किया करता और शायद आपको वक्त न दे सकता। क्या ये मोहब्बत मीर से जज्बाती मोहब्बत नहीं थी मेरे सिलसिले जीस्त में। मेरे बाप दादा भी मीर के आशिक थे। मेरे पुरखों में जो 3 नस्लें गुजरी हैं मीर तक, वो सब के सब मीर के शैदा थे। लिहाजा मैं भी खिराज अकीदत पेश करने के लिए हक रखता हूँ कि मीर के बारे में 2-4 बैठे कह दूँ। मीर का अहद आंसुओं और आहों का अहद है, मातम और गिरिया गुजारी का अहद है। अहमद शाह की तबाहकारियां हैं, नादिर शाह के हमले हैं,
आदर रोहिला के शाह आलम की आंख निकालने के वाकयात हैं, जो उनका वली ये असर था, जो उनका मालियो मवालियो मलजाओ मावा था उन गुलामों का, उस आका के सीने पर चढ़ बैठ कादिर रोहिला और उसने आंख निकाल दी। मीर सासुर को कभी भुला नहीं सके। शाह के कोहले जवाहिर थी, खा के पा जिन की, उन्हीं की आंखों में फिरती सलाइयां देखी। कादिर ने उनकी आंखों में शाह आलम की, लोहे की गर्म सलाख इंतहा दर्जे पे गर्मी पे ले जाके आंखों में फेर दी। मीर का अहद दरअसल रंजो आलम का अहद है, और हर आदमी अपने अहद से, अपने माहौल से, अपने गिर्दोपेश से अगर हसास है तो एहसास लेता है, अगर जीहिस है, जीहरू है तो महसूस करता है। मीर ने यकीनन अपने ज़माने को महसूस किया, लेकिन वो रंजो अलम का शायर नहीं, गिरियो बुका का शायर नहीं, मजलिसो मातम का शैदा नहीं है, जैसा कि हमारे नक्कादों ने लिख दिया, बग़ैर मीर को पढ़े हुए तनकीद राय दे दी कि मीर आहो बुका का शायर है, रंजोलम का शायर है, गिरिया गुजारी का शायर है, मातम का शायर है, आहों का शायर है, कराहों का। ऐसा नहीं है। मीर जिंदगी के मुतहर्रिक और जिंदा एहसास का शायर, जिंदगी की तवानाइयों को भरपूर तरीके से महसूस करने वाला शायर है। आप देखिएगा कि उसने जिंदगी को कितने ताकतवर अंदाज से तोला, जमाने को तोलना और जिंदगी को तोलना बड़े ताकतवर जहन की जरूरत है, मगर उसने तोला। ये जो तसव्वुर है मीर के बारे में, ये माफ कीजिएगा, बुरा न मानिएगा, बेपढ़े मीर के ऊपर राय देने वालों का तसव्वुर है। मीर जिंदगी का शायर, वाह 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 वाह। मस्ती हुस्न परस्ती रिंदी, यही अमल है मुद्दत से। ये किसका शेर है, ये किसका मिसरा है, ये किसका ख्याल है, ये किसकी बातें हैं। मस्ती हुस्न परस्ती रिंदी, यही अमल है मुद्दत से, यही अमल है मुद्दत से। पीर कबीर हुए तो क्या है, छूटे है मामूल कोई। पीर कबीर हुए तो क्या है, छूटे। ये जिंदगी के एहसासात की वो रौ है जो पीरी में भी जिंदगी के एहसास दिलाने के लिए काफी है। बहुत पीरी जो मुजमहल कर देती है कुवा को, पीरी जो लज्जत हयात को ज़ाया कर देती है, पीरी जो आकबत के खौफ से बर्बाद कर देती है ज़िंदगी की लताफतों को, उसमें कह रहे हैं रिंदी। आहा, क्या कहना इस शायर का। मस्ती भी है, रिंदी भी है, हुस्न परस्ती भी है, और अगर पीर कबीर हो गया है तो क्या जाता है, जिंदगी के तमाम रंग। उसमें इतना तवाना शायर था मीर कि उसने हर कर्व को जो जिंदगी के फायदे के लिए है, जिंदगी की रोशनी के लिए महसूस किया। मंसूर की कुर्बानी को भी उसने जिंदगी के लिए इस्तेमाल किया, अपने लिए नहीं, जिंदगी के लिए इस्तेमाल। जिंदगी क्या है, ये जिंदगी यह है हरारत बदन के साथ हरारत ख्याल जिंदा रहनी चाहिए, यानी जब तक जान में जान बाकी है एहसास में जान बाकी रहनी चाहिए। फैज अहमद फैज बहुत बड़ा शायर है, हमारी आबरू है अहदे हाजिर की,
शायरी के मंदिर में वो बहुत बड़ा देवता है। सरे वादी सीना उसकी किताब है। देखिए उसने मीर के शेरों से क्या शेर इंतखाब किया है जो जिंदगी की भरपूर हरारत दे रहा है। कहा है कि मौसम आया, ये सर्रामा है सरे वादी सीना का, हाफिज उर्फी के शेरों का इंतखाब किया है फैज ने अपने टाइटल में, मुख्तलिफ दस्त सभा में, जिंदानामे में, मुख्तलिफ जगहों पर। कहा कि मौसम आया, ये सुनने वाला शेर है, अहले नजर मीर को समझना हो और इनकलाब असर को देखना हो, मीर आहों बकाहों कराहों का शायर नहीं, वो अपने असर की तमाम तर तमाजतों को महसूस करने वाला शायर। मौसम और फैज ने इसीलिए उसका इंतखाब किया है सरे वादी सीना के सरनामे में। मौसम आया तो नखलेदार पे मीर, हाय हाय नखलेदार, वाह वाह। मौसम आया तो नखलेदार पे मीर, सरे मंसूर ही का बार आया, हाय 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 हाय। मौसम आया वाह तो नखले दार पे मीर, सरे मंसूर ही का बार आया। मीर के यहाँ ये अलामतें मंसूर, असम मंसूर का लफ्ज नहीं है, इनकलाब की एक तहरीक है जो मचलती उछलती हुई उसकी तरफ आ रही है, जिंदगी के इनकलाब। तो वो हर जगह उस इनकलाब को महसूस कर रहा है। एक जगह कहता है कि शायर हो मत चुप के रहो, शायर हो मत चुप के रहो, चुप में जाने जाती हैं, हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। शायर हो मत चुप के रहो, चुप में जाने जाती हैं, बात करो अबियात पढ़ो, कुछ बहतें हमको सुनाते रहो। जिंदगी का लुत्फ शेर में है, शायरी में है, और उन शेरों में है जो जिंदगी की कहानी बोल रहे हैं। क्या बात, जिंदगी की कहानी सुना रहे हैं। अबियात शेर मिसरे वो कहो कि जिनके पीछे जिंदगी बोल रही हो। अजब होते हैं शायर भी, मीर कहते हैं, अजब होते हैं शायर भी, मैं इस फिरके का आशिक हूँ। अजब होते हैं शायर भी, क्या फिरका निकाला है, मैं इस फिरके का नया फिरका है, फिरके शोरा परस्ता कह लीजिए। अजब होते हैं शायर भी, मैं इस फिरके का आशिक हूँ, भरी मजलिस में बेधड़के ये सब असरार कहते हैं। वाह वाह, किसी की समझ में आए या ना आए वो कह देते हैं। वाह वाह, मीर के बारे में ये कहना कि वो रोने धोने वाला शायर है, और ये कहना कि एक गज़ल मीर की, पढ़ता था पड़ोसी मेरा, कुछ नमी सी मेरे दीवार में आ जाती है। किसी ने कहा ये ख्याल मुझे जहन में आ रहा है, ये शेर का है, नहीं ऐसा नहीं है। कहकहों की आवाजें आती हैं, उसके कलाम को सुनिए, वो कहकहे कि जो जिंदगी पर हंस रहे हैं, जिंदगी की नाहमवारियों पर हंस रहे हैं, वाह वाह वाह, और तमकनत की कचकुलाही का मजाक उड़ा रहे हैं, वो जो ठोकरों पे उड़ा रहा है अपने अहद की खुशूनत को, अपने अहद की उस तमकनत को और उस किबरीत को, कि जिसे आज भी तोहफे लानत व मलामत पेश किया जा रहा है, वो अपने अहद में अपने नगमों से इस खुशबयानी के साथ जिंदगी बयान कर रहा था कि कोई शायर उसका मुकाबिल नहीं। बहुत बहुत, बहुत।
कहता है कि मारे का गर्म तो हो लेने दो खुमरेजी का। हाय वाह, ये कहाँ से शेर इंतखाब करेगा कौन? लोगों ने कह दिया रोने धोने के शायर है वो। जिंदगी के अहद में, अपनी जिंदगी के जमाने में, अपने असर में सबसे बेदार मख्स शायर है। वाह वाह, बेदार मख्स शायर। वाह वाह, मैं तो यहाँ तक कहूँगा जो काम अकबर ने 19वीं और 20वीं सदी में किया है, जो इकबाल ने भरपूर 20वीं सदी में काम किया है, वो 18वीं सदी में मीर ने कर लिया। वाह वाह, वा, बहुत वाह। मारे का गर्म तो हो लेने दो खूनरेजी का, वाह। पहले तलवार के नीचे हम ही जा बैठे हैं। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, क्या कहना उस शायर का। उसका ख्याल ये था कि हर तरफ तेगे हैं तलवारों की जी। जनकार है, तश्त में रखे हुए सर लाए जा रहे हैं। उसने नादिर शाह का अहद भी देखा है, मरहटों की पामाली करना दिल्ली का ये आलम भी देखा है उसने, जाटों का दिल्ली को उजाड़ देना और आगराबाद अकबराबाद आगरे को मिसमार कर देना जगह जगह से, वो भी देखा है उसने। इस तसव्वुर को उसने कई जगह उठाया है। एक जगह कहा है कि ये तेग है, ये तश्त है, ये हम हैं कुछ तनी। वाह 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 वाह, वा, वा। ये तेग है, ये तश्त है, ये हम हैं कुछ तनी। खेले है कौन ऐसी तरह जान पर के हम, क्योंकि ये इस्तियारा कहीं और जी। तारीख इस्लामी के एक बड़े सबक आमोज वाक़े की तरफ भी जाता है। ये तेग है, ये तश्त है, ये हम हैं कुश्तनी। खेले है कौन ऐसी तरह जान पर कि हम। ये तमाम तसव्वुरात वो थे कि जो मीर ने उस जमाने से लिए थे जिस जमाने का मैंने शुरू जिक्र किया, यानी 18वीं सदी, 17 से 10 के बाद का जमाना समझ लीजिए। ये लफ्ज़ मैंने 10 क्यों कहा और ये 8 और 10 और 7 की बहस क्या है? मीर के बहुत से तस्करा नवीस उर्दू की तारीख में गुजरे हैं, उन सब ने मीर पर कुछ न कुछ कहा है। तस्करा नगारों ने उनका बहसियत तौकीर तस्करा किया। गुलशन बेखार में मुस्तफ़ा खान शेफ्ता ने उन्हें अशअर शुरा कहा है। वाह 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 वाह, वो किसी को मुंह नहीं लगाते थे, गुलशन बेखार के मुसन्निफ़ अशअर शुरा कहा है। मीर हसन, मीर अनीस के दादा ने उन्हें अफसह शोहरा कहा है, ने फसीह तरीन शायर। नासिक ने उन्हें शायरी की ममलकत का बादशाह कहा। वाह 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 वाह, और एक तारीख भी निकाली है और कहा है कि वावैला मुर्द शहे शायरों। वाह वाह वावैला, ये जी नासिक ने जी मौत पर मीर की ये मिसरा कहा। वाह, और ज़ौक़ का वो मिसरा मैं बार बार क्या दोहराऊं, अहले इल्म जानते हैं, गालिब का वो मिसरा शेर जो ज़ौक़ के हवाले से भी आता है सामने,
तो ये नासिक के हवाले से भी आता है, इस तमाम लोग, और मैंने अभी जैसा कि फैज का जिक्र किया, अब्दुल बारी आसी ने बड़ा तस्करा किया है उनका, मौलाना अब्दुल सलाम नदवी ने उनका बहुत जिक्र किया है, शिबली ने भी बारहा उनका जिक्र किया है, मसूद हसन रिजवी ने भी उनका जिक्र किया है, जाफर अली खां असर ने भी मजामीर में उनका जिक्र किया है, जस्टिस सरशाह सुलेमान ने भी इंतखाब मीर में उनका जिक्र किया है, मौलवी अब्दुल हक ने भी उनका तस्करा किया है, अब्दुल सत्तार सिद्दीकी ने भी उनका जिक्र किया है, मजनू गोरखपुरी ने भी उनका जिक्र किया है। कौन है जिसने आजाद ने मीर को हदिया अकीदत न पेश? बहरहाल ये कहना कि मीर सिर्फ आहों और कराहों का शायर, मैं इसकी नफी चाहता हूँ आज के खुतबे में। मीर जिंदगी का शायर है, जिंदगी की लताफतों का शायर है, जिंदगी के तमाम एहसासात का शायर। देखिए ये भी उसी का शेर है कि साइद सीमी दोनों उसके हाथ में लाके छोड़ दिए। हाय हाय, अच्छा वाह। साइद सीमी, तसव्वुर कीजिए शेर का, दोनों उसके हाथ में लाके छोड़ दिए। वाह। भूले उसके कौलो कसम पर हाय ख्याल खाम किया। हाय हाय हाय, ये आहों कराहों का शायर। वाह वाह वाह, ये आहों कराहों का शायर नहीं, ये जिंदगी की नवाओं का शायर है, नगमों का शायर। ये मिसरों शेरों का शायर है जो जिंदगी के दीवान से निकाल निकाल के दुनिया के सामने पेश। बहुत बहुत, बल्कि उसने इश्क के दास्तानी अम्मा को सबको खराज अकीदत पेश करते हुए छोटा कर दिया। हाय हाय हाय, वाह वाह, इश्क के अम्मा को, वाह वाह वाह, बहुत खूब। मेरे संगे मजार पर फरहाद, वाह, मेरे संगे मजार, संगे मजार पर फरहाद रख के तेशा कहे है या उस्ताद। बहुत खूब, बहुत मेरे संगे मजार पर उस्ताद रख के तेशा कहे है या उस्ताद। वाह वाह, उसने हर जगह कहीं ना कहीं छोटा किया है इस मैदान में दावा करने वालों को, तो वो आहों का राहों का शायर, बहुत जिंदगी का शायर। वो कहता है न रही दश्त में खाली कोई जा मेरे, वाह 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 वाह, न रही दश्त में खाली कोई जा मेरे बाद, आके सज्जादा नशीं कैस हुआ मेरे बाद। वाह वाह, वैसे ये जहन में रखिए कि इस शेर पर इख्तलाफ है अहले तनकीद का कि ये मीर का है या नहीं, लेकिन मीर की गजल में मौजूद है। मीर की गजल में मौजूद है, और ये वो बड़ी मशहूर गजल है जिसका शेर वही जिंदगी की तवानाई देता है। वो हवा खाहे चमन हूँ के चमन में हर सुबह, वाह वाह वाह, वो हवा खाहे चमन हूँ के चमन में हर सुबह, पहले मैं जाता हूँ और बादे सबा मेरे बाद। वाह कितना बड़ा, हवा खाहे चमन हूँ कि चमन में हर सुबह पहले मैं जाता हूँ और बादे सबा मेरे बाद। ये बड़ी आम जमीन है जो मीर ने वजा की है। मैं अर्ज कर रहा था कि मीर को हुस्नो इश्क के पराये से निकाला नहीं जा सकता, लेकिन उसका हुस्नो इश्क चूमा चाटी का नहीं है, जैसा कि नक्कादों ने कहा भी है, और खुद मीर ने भी अपने अहदे इर्द के अहदे गिर्द के यानी जो उनके ज़माने का करीब तर अहद है उस सब के लिए उन्होंने यही तनकीद की है, लिहाजा उनके यहाँ ये चूमा चाटी का जमाल मौजूद नहीं है।
उनके यहाँ क्या है? उनके यहाँ है एहसास, क्योंकि इश्क और हुस्न की मस्तियां, जाज़बियत इश्क की, आंखों की कुशादगी, जिस्म की मुनासिबत यानी तनासुब, कामत की बुलंदी और तूले कामत, ये सब तसव्वुरात उस ज़माने के काबिले शुमार थे। और ज़ाहिर है कि महबूब की रमखुर्दगी भी, ऐसा गज़ाले राना जिसमें रमखुर्दगी हो, यानी भागता हो, हाथ छुड़ाकर भागता हो, दगा देकर भागता हो, गलत वादे करके भागता हो, दूर होता हो बहानों से, ठीलों से, बहाने 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 बाजियां, जिंदगी के मुख्तलिफ करतब हैं हाय हाय हाय, जो अहदे जज्बात में साहिबान जज्बात को देखने और सहने को मिलते हैं। मीर ने सब के सब देखे भी और सहे भी। बहुत बहुत कहते हैं ऐसे आ हुए रम खुर्दा को, माफ कीजिए, ऐसे आहुए रम खुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल थी। वाह वाह, ऐसी ऐसे आहुए रम खुर्दा की वहशत खोनी मुश्किल थी, सैर किया एजाज किया जिन लोगों ने तुझको राम, राम किया, किया। वाह वाह, ये आहों का शायर है, ये गिरिया गुजारी का शायर नहीं। ऐसे आ हुए रम खुर्दा की वहशत खूनी मुश्किल थी, ये शेर मुख्तलिफ तरह पढ़ा गया है, बल्कि मैंने अपनी किताब में भी इसको उस तरह लिखा है जैसे आसी ज़ियाई ने कभी लिख दिया था। अब्दुल बारी आसी ने भी इसका एक जगह इसी तरह तस्करा किया है। बहुत से इंतखाबात में भी सरशाह सुलेमान ने भी इसको इसी तरह लिख दिया, यानी ये शेर जो मैंने दीवान से पढ़ा, वहशत खोनी मुश्किल थी, इसको यूं भी लिखा हुआ है। तुझसे ऐसे रम खुर्दा को दाम में लाना मुश्किल था। वाह 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 वाह, बाद में लिखा है तुझसे ऐसे रम खुर्दा को दाम मिलाना मुश्किल था, सेहर किया एजाज किया जिन लोगों ने तुझको राम किया। लेकिन मीर के दीवान में शेर ये इसी तरह है, वहशत कोनी मुश्किल थी। मैं यश कर रहा था कि मीर का हर मुमकिन एहसास जो हमारे दायरे ख्याल में आता है, उसमें मीर बिल्कुल एक नया शायर, बिल्कुल हम उस अहद के लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ एक पैकर में देखते हैं। उसने बाज जगह जिंदगी की इस हुस्न परस्ती, जिंदगी में इस हुस्न परस्ती और जज्बो मस्ती को इतनी कुव्वत से महसूस किया है कि उसके मिसरों में वो एक हरारे के तौर पर नजर आती है। जिंदगी का हरारा जैसे कहते हैं, उस तरह महसूस होती, इर्तियाश होता है। देखिए उसका एक किताबन है, किता है, कहता है कि अगलब है कि गम का बार खींचेगा मीर। अच्छा वाह, अगलब वाह। मीर की एक और खूबी भी सुन लीजिए, वो मुश्किल से मुश्किल लफ्ज को भी अपने शेर में आसानी से ले आते हैं और उसके मानी वादे कर देते हैं। बहुत बहुत, सन्ना है सब खार, अजां जुमला हूं मैं भी। अजां जुमला का लफ्ज भी लिया है बड़ा, उसमें जिसे कुछ हुनर आवे तो अजां जुमला का लफ्ज भी इस्तेमाल किया। मीर इस तरह के लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं अगलब है कि गम का बार खींचेगा मीर। मुंह देखो तो
शक्ले यार खींचेगा ना। वाह वाह, अगलब है कि गम के बार खींचेगा, वाह खींचेगा मीर, मुंह देखो तो, शक्ले यार खींचेगा मीर। ये जहन में रखिए, जो ये मीर ही कर सकते थे, कोई नहीं कर सकता मीर के। ये ऐसा लग रहा है कि मीर से मुखातिबा है जी, या तखल्लुस के तौर पे मीर आ रहा है जी। लेकिन वो चौथे मिसरे में उन्होंने बिल्कुल उलट दिया इसे, लफ्जों के इस्तेमाल को। अफसहुल फसाहा, अफसर व शोहरा, अफसहुल फसाहा, मीर हसन के लफ्ज, या मेरे आपके किसी के भी दिए हुए हों, मीर वाकई अपनी गिरफ्त में इस तरह लेता है लफ्जों को कि फसीहुल बयान होना उस पर सादिक आता। वाह 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 वाह। ये तमाम जगहों पर अगलब है कि गम के बार खींचेगा मीर, मुंह देखो तो, मुहावरा है सर, मुंह देखो तो, शक्ले यार खींचेगा मीर, बैठा है बनाने चश्मे मैगूं उसकी, नक्काश बहुत खुमार खींचेगा मीर। आए, आए, तो ये नक्काश के लिए कहा है, ये मीर के लिए नहीं कहा है। अगलब है के गम के बार खींचेगा मीर, यानी मीर गम का बार खींचेगा, यकीन है, अगलब है, यकीन गालिब है, यानी बिल यकीन ऐसा होगा, लेकिन मीर के लिए नहीं है, नक्काश के लिए है कि नक्काश। तो अब ये लफ्जों की साख्त, सनतगरी, ये मीर से कोई सीखे। जाके पूछा जो मैं कल कार गए मीना में, जाके पूछा जो कल मैं कार गए मीना में, जाके पूछा जो मैं कल कार गए मीना में, दिल की सूरत का भी ए शीशा गरा है शीशा। हाय हाय, वाह 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 वाह। दिल की सूरत का भी ए शीशा गरा, ए शीशा गरा, ए शीशा, ए शीशा, कहने लागे कि किधर फिरता है बहका ओ मस्त। ओहो ओहो वाह वाह, कहने लागे कि किधर फिरता है बहका ओ मस्त, जिस तरह का भी तू देखे है कि यहाँ है शीशा, शीशा। दिल ही सारे थे ये एक वक्त में जो करके गुदास, शक्ल शीशे की बनाई है कहाँ है शीशा। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। हर्फों और लफ्जों में कहीं मैंने वजन में पैवंद करने के लिए आगे पीछे मुमकिन है कर दिया हो, किताबंद यही है मीर का। वाह वाह, शक्ल शीशे की बनाई है कहाँ है शीशा। वाह, ये जो तसव्वुर है शीशागरी का, कारगहे मीना का, पूछा जो मैंने जाके कल, नसर में अर्ज कर रहा हूँ, पूछा जो जाके मैंने कल कारगहे मीना में, कि ये जो तू शीशे बना रहा है, मुर्रा बना रहा है, शीशियाँ बना रहा है, आईने बना रहा है, ये हुनर कहाँ से आया है? ये तो हमने दिल के लिए सुना था कि ये शीशा होता है, तो ये शीशा दिल वाला तो नहीं है। उसने पहले तो मैंने, यानी कहने वाले ने सवाल किया कि शीशा तो नहीं है, उसने कहा ये शीशा जो तू देख रहा है यही तो दिल को पिघला के बनाया गया है, और इसी को समेट कर दिल बनाया गया, शक्ल शीशे की बनाई है। कहाँ है शीशा, कहाँ है शीशा, ये शीशा नहीं जैसे तूने कहा कारगहे मीना में आके। तो मीर इस एतवार से हमें तस्लीम करना चाहिए कि उसने लफ्जों को नई शनाख्त भी दी है। वाह वाह वाह, लफ्जों को नई शनाख्त, एक नई मानवियत भी दी है। वाह,
मुश्किल लफ्ज़ों को भी इस्तेमाल किया है, वाह, उन मुहावरों को भी इस्तेमाल किया है। जाए है जी नजात के गम में, जाए है जी नजात के गम में, ऐसी जन्नत गई जहन्नम। यानी उन लोगों के लिए कहा है कि जो हर वक्त मरे जाते हैं कि सवाब होना चाहिए, सवाब होना चाहिए, वो जिंदगी अपने लिए तलख कर लेता है। ऐसी जन्नत गई जहन्नम। बाद लोगों को नागवारी खातिर तो होगा मीर का ये शेर, मगर शेर है मीर जिस अंदाज का शायर है, उसने बहुत सी अनकही बातों को कह दिया। इंसान फाइले मुख्तार है, ये हम सुनते चले आए। इंसान मुख्तार है अपने फेल पर, फाइले मुख्तार है, वाह वाह, हम ये सुनते चले आए। लेकिन हम एक सांस भी अगली उसकी मर्जी के बगैर नहीं ले सकते, और एक कदम भी बगैर उसकी इंशा के आगे नहीं बढ़ा सकते। वाह वाह। कोई काम और बात भी बगैर उसकी ताईद और उसके तस्दीक के करने की हामी नहीं भर सकते। ये बात खटकती थी मीर को, और तमाम सूफिया ने ये बात कही। मीर आहों कराहों का शायर नहीं है, मातम गुजारी और गिरिया कारी का शायर नहीं है। कहता है, मशहूर शेर है उसका ये, नाहक हम मजबूरों पर, ये तोहमत है मुख्तारी की, नाहक हम मजबूरों पर, ये तोहमत है मुख्तारी की, वाह, चाहते हैं सो आप करें हैं हमको अबस बदनाम की। वाह, देखिए आप करें हैं, एक बात और भी जहन में रखिएगा, मैं अहले इल्म से जो तुल्लाब इल्म है उनसे कह रहा हूँ, करे हैं नहीं लिखा है मीर ने, करें हैं लिखा है, चाहते हैं सो आप करें हैं, करे हैं। वाह, पहले जमाने की जबान में 18वीं और 19वीं सदी की जबान में हुरूफ आतिफा की भी जमा और हुरूफ मुआविना की भी जमा और हुरूफ मुतालिका की भी जमा आती थी इस्म और फेल के तौर पे। मसलन करे की जमा करें आती थी, चाहते कहा है, हैं कहा है, इसलिए करें नहीं कहा, करें कहा है, चाहते हैं सो आप करें, करे हैं नहीं, करें हैं, हाय हाय, हमको अबस बदनाम किया। तो वो लफ्ज़ों की शनाख्त देने वाला शायर, और मानवियत को ऐसे पैराए में लाना शेर में कि जिससे उसमें नए पहलू निकलते हों, ये उसका कारनामा है। क्या बात, क्या बात। मीर के यहाँ आप एक और भी चीज देखिएगा जो बहुत कम लोगों के यहाँ होगी, वो ये है कि मीर ने मोहब्बत को अपने हवाले से आगे बढ़ाया है। देखिए एक किताबन में क्या कहते हैं, तुर्बते मीर पर हैं अहले सुखन, हाय हाय हाय, वाह वाह वाह, तुर्बते मीर, मीर पर हैं अहले सुखन, अहले सुखन, हर तरफ हर्फ है, हिकायत है, हाय हाय, अपने बारे में कहते हैं, वाह, मेरे बारे में है, हिकायत, हर तरफ हर्फ है, हिकायत, हिकायत है, तू भी तकरीब फातिहा से चल, बखुदा वाजिब ज़ियारत है। हाय हाय, तुर्बते मीर पर अपने आप से कह रहे हैं, अपना एहसास कर रहे हैं कि क्या हूं मैं, तुर्बते मीर पर हैं अहले सुखन, हर तरफ हर्फ है, हिकायत है, तू भी तकरीब फातिहा से चल, बखुदा वाजिब
ज़ियारत है। मीर को अपनी बड़ाई का एहसास होना चाहिए और मीर को अपनी बड़ाई का एहसास था और मीर को अपनी बड़ाई का एहसास रहेगा। लेकिन ये बात जहन में रखिए कि मीर के बाद शेरों को ताली करार दिया है लोगों ने, ताली नहीं है, यानी सिर्फ बड़ाई का दावा नहीं है, फिल हकीकत वो बड़ाई का दावा मुसद्दका है मीर के। बिल्कुल, जब वो ये कहता है कि बहुत आलम करेगा गम हमारा, आए है, आए है। रहेगा देर तक मातम, बाकी हर वक्त उसको, हर अहद में उसको, हर जबान शेर में उसको, जब तक उर्दू जिंदा है कोई भला नहीं सकता। वाह वाह वाह। कहते हैं कि मीर का इंतकाल 1807 के करीब होता है। बाज़ ने 1225 हिजरी से 1808 तारीख निकाली है। अगर मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात मानी जाए तो वो 100 बरस के, यानी पैदाइश का कहीं जिक्र नहीं मिलता। इस वफात से जो यकीनी करार दी गई है उससे अगर हम योम पैदाइश या योम विलादत निकालें तो 1707 और 8 से ज़्यादा नहीं बनती जी। ये 100 मोहम्मद हुसैन आज़ाद की बात कर रहा हूँ, शम्सुल उलमा की। अगर सरशाह सुलेमान की किताब पढ़ें इंतखाबे शेर, जाफ़र अली ख़ान सर को देखें, अब्दुल बारी आसी को पढ़ें, मौलवी अब्दुल हक का मुताला करें, अब्दुल सलाम नदवी को देखें, तो इन सब ने इशारा किया है पहले अशरे का 18वीं सदी के, यानी वो 1710 तक आप ले जा सकते हैं। इस तरह अब्दुल बारी आसी का ये कहना कि 90 साल के थे सच साबित हो जाएगा, गोया मीर ने 90 साल उम्र पाई या 100 साल उम्र पाई। ज़माना उनका यही है जो हिंदुस्तान में इनकलाब की दस्तक का ज़माना था, लेकिन वो इनकलाब मुसलमानों के जवाल पर, बदेसी कौमों की आमद और उनकी चाप और उनके कदमों के आहंग का, उनकी आवाज़ों का, उनकी दिल दहलाने वाली पुकार का इनकलाब था जो मीर के अहद वफात से शुरू होता है और वो शायद बहुत अरसे तक बाकी रहा। नहीं कह सकता कि वो कब तक बाकी रहे। मीर का ये कहना मुझे अच्छा लगा। मीर ने कोई एक शेर कहा है, हाय हाय वाह, कोई एक सिन्फ में शेर कहे हैं। मीर ने गजल भी कही है, वासोख्त भी कहे हैं, मरसिये भी कहे हैं, मनकबत भी कही है और अकीदत के इजहार में बहुत आगे भी अपने अकीदे के मामले में आगे बढ़ गए हैं, ये भी सही है। बल्कि सिराजुद्दीन अली खां आरजू से जो थोड़ी सी चपकलश हुई है उसका हवाला भी यही अकीदे की मुखासिमत या मुखालिफत है। आज़ाद ने इसको बयान किया है, लेकिन बाकी लोगों ने आज़ाद की इस बयान को अपने अकीदे की तरफदारी में शुमार करके कमज़ोर कर दिया है। बहरहाल मीर ने बहुत कहा है और इतना कहा है कि ख़ुद उन्हें महसूस हुआ। अच्छा, और कहा बहुत कुछ कहा है करो मीर बस, बस, बस। ओहो, बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा है। छह दीवान भाई, माशाल्लाह, हजारों शेर हैं, बहुत कुछ कहा है, बहुत कुछ कहा, वाकई बहुत कुछ कहा है। करो मीर बस, बस के अल्लाह बस और बाकी हवस, बस के अल्लाह बस और बाकी हवस। अपने
जमाने की जबान को भी जी बहुत मोहब्बत से इस्तेमाल किया है। वाह। कबू कसु लोहू बमानी लहू जी, कने बमानी पास, कद बमानी कब, कौथा बमानी कौन सा, ये इस तरह की लफ्जियात को भी उन्होंने। लेकिन अब नई किताबतों में हमने हर चंद के उन्हें बदल भी दिया है, मगर उनका मजा अपनी जगह है। कौन बदल सकता है इस लफ्ज को मीर जो अब मैं पढ़ूं? आप किसी लिख दें वो मजा नहीं आएगा। आगे कसू के क्या करें दस्ते तमा दराज, हाय हाय वाह वाह बहुत वाह। आगे कसू के क्या करें दस्ते तमा दराज, वो हाथ सो गया है सराहने धरे धरे, हाय 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 वाह 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 बहुत वाह। ये उस गजल का शेर है, गुलशन में आग लग रही थी रंगे गुल से मीर, बुलबुल पुकारी देख के साहब परे परे परे। वाह। आगे कसू के क्या करें, वाह दस्ते तमाम दराज, वाह दस्ते तमाम दराज, वो हाथ सो गया है सराहने धरे धरे। मीर साहब ने अपने जमाने की बोली, अपने जमाने के मुहावरे, अपने जमाने की बातें सबको उठा लिया है। वाह वाह। मसलन उस जमाने में लोग जाते थे काबे की तरफ, लेकिन इतनी मसाफत तकलीफ दे थी कि लौट के आ जाते थे, वामादा हो जाते थे, थक जाते थे। तो उस दौर के उलमा कहते थे यहीं से सलाम कर लो, यानी सलाम हो गया। वाह वाह। ये एक लफ्ज इस तरह गर्दिश कर रहा था कि फिर उर्दू मुहावरे का, उर्दू मुहावरे का एक सिक्का बन गया। वाह वाह वाह। चुनाचे मीर का ये शेर सुनने वाला है इस लफ्ज के हवाले से। कहते हैं कि किसका काबा, किसका काबा, कैसा किबला, वाह कौन हरम है क्या एहराम, वाह किसका काबा, कैसा किबला, कैसा किबला, वाह कौन हरम है क्या एहराम, वाह कूचे के उसके बाशंदों ने सबको यहीं से सलाम सलाम किया। वाह वाह। अब सलाम किया मानी हम नहीं जाते हैं जी, वाह जी वाह। मगर वो उस दौर की सऊबतों में उस फतवे का जिक्र है कि जो लोग इन मसाफतों को, इन कुल्फतों को, इन सऊबतों को न सह सकें, वो अपनी नियत की बुनियाद पर सवाब पालेंगे। वाह। तो कहता है कि काबे नहीं गए भाई, कैसा काबा हमने तो नहीं देखा, किबला किधर मुंह किया जाता है वहां जाकर हमें नहीं मालूम कि क्यों कर होता होगा ऐसा, हमें नहीं मालूम है। लेकिन हम ये जानते हैं कि उसके ये महबूब का कूचा नहीं है, ये उसके बारगाह इलाही की तरफ जा रहा है, कूचे के उसके बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम सलाम। उसका कूचा इतना तवील है, उसकी राहदारी इतनी फैली हुई है उसके कूचे की, कि उसकी हद ये नहीं है कि वो किबले से दिल्ली तक हो, जहाँ से जहाँ तक भी है उन सब के, उस सब गलियों के, उन कूचों के, उन राहदारियों के बाशिंदों का यहीं से सलाम कबूल हो, कूचे के उसके बाशिंदों ने सबको यहीं से सलाम किया।
ये जो मीर का अपना अहद है, इसमें लफ्जों की एक मारधाड़ भी है, यानी लफ्ज टूट फूट भी रहे थे, और उसका ही नतीजा है कि आज वो लफ्ज संभल कर हमारे सामने आए। आपको मालूम होगा कि मीर के अहद में अंग्रेजी के लफ्ज दाखिल नहीं हो पाए थे, जो ही 60-70 साल का जमाना गुजरा, यानी गालिब का जमाना आ गया, उसमें नंबर बजाय लंबर आ गया। मीर के यहाँ फारसी के असरात जो गायब हो रहे थे, फारसी के असरात वो दम तोड़ते हुए नजर आए, और उनकी जगह हिंदी और उर्दू के लफ्ज जो हैं वो आ गए। लेकिन मीर के यहाँ अपने तसव्वुरात में एक बड़ी काबिल कदर बात जो तब्दीली की आम आदमी को भी महसूस होती है, वो ये है कि उन्होंने पैराहन के लिबास की साख्त के, लिबास की कबूलियत के, या उस लिबास से जो पैकर उभरता है उसके तसव्वुर के मजमूए को भी अपनी शायरी में जगह जगह बयान किया है। मसलन मस्जिद की मेहराबी शक्ल, गली कूचों में बहता हुआ लहू, बाज़ोकात अहद नादिर शाही में खून, और खुश्की के ज़माने में तसव्वुराती पानी बहता हुआ, बड़े बड़े इस्तियारे मीर ने इस्तेमाल किए। इस जगह जाके लिबास के मामले में, पैराहन के मामले में उनका ये शेर बड़ी उम्दगी रखता है। कहते हैं कि शेख जो है मस्जिद में नंगा, हाय हाय, रात को था मैं खाने में, वाह 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 वाह, शेख जो है मस्जिद में नंगा, यानी ये जो लोगों की तहकीर हो रही है, नंगा से मुराद, नंगे से मुराद पैराहन का नंगापन नहीं है, बल्कि इंसानों की तौकीर करने में नंग पे उतर आना नंगापन, इंसान को जलील करने में जो गुफ्तार इख्तियार की जाए उसका रवां दवां कर देना, आम कर देना, ये नंगापन है। तो है कि शेख जो है मस्जिद में नंगा, रात को था मैं खाने में, जुब्बा कुर्ता खिरका टोपी मस्ती में इनाम किया। तो ये जो तसव्वुरात थे लफ्जियात के, इबारतों के एतबार से, मुहावरों के एतबार से, या तशबीहों और इस्तियारों के एतबार से, मीर ने वो शख्सियात में भी इख्तियार किए, और वो मसनवियात में भी इख्तियार किए, और वो गज़ल के दायरे में भी इस्तेमाल किए, और वो इल्म अरूज और मुहावरों में भी इस्तेमाल किए। गोया मीर अपने अहद की बोलती, चहकती और चमकती जबान का शायर है, और वो हमेशा जिंदा और पाइंदा रहेगा। जी नाज़रीन, आपने उर्दू जुबान के सबसे बड़े शायर मीर तकी मीर के हवाले से गुफ्तगू सुनी। मीर की खूबसूरत शायरी और डॉक्टर असद अरीब का खूबसूरत अप्सरा। जी तो ये चाहता है कि सारी रात ये गुफ्तगू होती रहे और हम सर धुनते रहें। मीर के हवाले से ये गुफ्तगू कितनी कीमती है, इसका अंदाज़ा सिर्फ अहले बसीरत ही लगा सकते हैं। दिल मुझे उस गली में ले जाकर, दिल मुझे उस गली में ले जाकर और भी खाक में मिला लाया, दिल मुझे उस गली में ले जाकर और भी खाक में मिला लाया,
इब्तदाही में मर गए सब यार, इब्तदाही में मर गए सब यार, इश्क की कौन इंतहा लाया। इब्तदाही में मर गए सब यार, इश्क की कौन इंतहा लाया। अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। इरशादुल अरीब के इस प्रोग्राम के साथ, इस यादगार प्रोग्राम के साथ अपने मेज़बान शाहिद अब्बास और हमारे हम सफ़र जनाब खुर्रम बुखारी साहब को इजाज़त दीजिए। डॉक्टर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा पता पता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, पता पता बूटा।